हेलो नमस्ते, मैं विकास स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सी लैंग्वेज एमसीक्यू। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रोग्रामिंग होती है सी प्रोग्रामिंग, उसके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी बात आज हम करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कंप्यूटर एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पुराने सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोस के लिंक या उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। आइए आज के टॉपिक यानी सी लैंग्वेज एमसीक्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सी लैंग्वेज एमसीक्यू का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो यह एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके अलावा यह बहुत ही एफिशिएंट भी होती है, बहुत फास्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें सी लैंग्वेज के पिता किसे कहा जाता है, तो सी लैंग्वेज के फादर कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेनिस रिची। डेनिस रिची को सी लैंग्वेज का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच ईयर द सी लैंग्वेज डेवलप्ड, कौन से ईयर के अंदर सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी, 1962, 1978, 1979 या 1972। देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1972, 1972 के अंदर सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, सी लैंग्वेज इज अ सक्सेसर टू विच लैंग्वेज, सी लैंग्वेज सक्सेसर होती है कौन सी लैंग्वेज के लिए। देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज के लिए सी लैंग्वेज जो है सक्सेसर हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, सी लैंग्वेज डेवलप एट डैश, सी लैंग्वेज कहाँ पर डेवलप हुई थी। तो सी लैंग्वेज की अगर बात करेंगे, यह डेवलप हुई थी 80s एंड टीज बेल लेबोरेटरी के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो यह डेनिस रिची के द्वारा 80s एंड टीज बेल लेबोरेटरी के अंदर 1972 के अंदर डेवलप हुई थी और यह बी लैंग्वेज का सक्सेसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन ये सारे कौन सी लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। तो ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, सी प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। उसे कंपाइलर कहा जाता है जो कि सी प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सेवन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर इन सी, सी के अंदर कमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 1, 2, 3 या 4। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली कमेंट्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, सिंगल लेवल कमेंट एंड मल्टी लेवल कमेंट। एट्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं, कितने कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। कीवर्ड्स का मतलब हो जाएगा ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग, जिसका यूज़ फिक्स होता है, उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, उसे कीवर्ड्स कहा जाता है। और सी लैंग्वेज के अंदर टोटल ऑप्शन नंबर ए, 32 कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन डैश, सी लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सारे के सारे जो होते हैं वो लोअर केस लेटर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टेंथ क्वेश्चन हो जाएगा, विच कीवर्ड इज़ यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन अ सी प्रोग्राम, सी लैंग्वेज के अंदर किस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है वेरिएबल के अंदर किसी भी चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो उसके लिए जिस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्ट। उसे कॉन्स्ट कहा जाता है, कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग सी लैंग्वेज के अंदर किया जाता है जो कि वेरिएबल के अंदर किसी भी चेंजेस को प्रिवेंट करता है यानी फिक्स करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 11th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा,
टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड या मैक ओएस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, ट्वेल्थ क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी डेटा टाइप, इनमें से कौन सा एक प्राइमरी डेटा टाइप है, इंट, क्लास, स्ट्रक्ट या एनम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए इंट, इंट की अगर बात करेंगे तो यह एक प्राइमरी डेटा टाइप हो जाएगा, बाकी क्लास, स्ट्रक्ट, एनम ये सारे सेकेंडरी डेटा टाइप हो जाएंगे। थर्टीन क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्टीन क्वेश्चन हो जाएगा इन विच डेटा टाइप द साइज इज नॉट फिक्स्ड, कौन से डेटा टाइप के अंदर साइज जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, इंट, फ्लोट, डबल या स्ट्रक्ट। इंट, फ्लोट, डबल या स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट जो डेटा टाइप होता है उसकी साइज फिक्स नहीं होती है, बाकी अगर इंट की बात करेंगे यह 2 byte का होता है, फ्लोट की बात करेंगे यह 4 byte का होता है, डबल की बात करेंगे यह 8 bytes का होता है, लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रक्ट की बात करेंगे इसकी साइज फिक्स नहीं होती है, यह डिपेंड करता है कि आप कैरेक्टर कितने यूज़ कर रहे हो, तो यह वेरी हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे, 14 क्वेश्चन हो जाएगा विच इज़ द फॉर्मेट मॉडिफायर यूज फॉर साइन कैर डेटा टाइप इन सी, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है उसके लिए कौन से फॉर्मेट मॉडिफायर का यूज़ किया जाता है, परसेंटेज डी, परसेंट सी, परसेंट एफ या परसेंट एस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैरेक्टर डेटा टाइप की अगर बात करेंगे उसके लिए जो फॉर्मेट मॉडिफायर यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है परसेंटेज सी, ये कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। इंटीजर की बात करेंगे तो परसेंटेज डी यूज़ करते हैं, फ्लोट की अगर बात करेंगे परसेंटेज एफ यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंग की अगर बात करेंगे तो परसेंटेज एस यूज़ किया जाता है। तो कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी फॉर्मेट मॉडिफायर का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, 15 क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी बाइट्स डज अ कैर डेटा टाइप टेक इन सी, कैरेक्टर डेटा टाइप कितने बाइट की मेमोरी यूज़ करता है। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टर की बात करेंगे यह जो मेमोरी यूज़ करता है वो 1 byte की मेमोरी यूज़ करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरेक्टर 1 byte की मेमोरी यूज़ करता है। 16 क्वेश्चन की बात करेंगे, 16 क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी बाइट्स रिजर्व बाय फ्लोट डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लोट डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है, 1 byte, 2 byte, 4 byte या 8 byte। फ्लोट की अगर बात करेंगे फ्लोट डेटा टाइप जो मेमोरी लेता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 bytes, 4 bytes की मेमोरी लेता है। कैरेक्टर की बात करेंगे तो 1 byte हो जाएगा, इंट की बात करेंगे 2 byte हो जाएगा, फ्लोट की बात करेंगे 4 byte हो जाएगा, डबल की बात करेंगे तो 8 bytes की मेमोरी यूज़ करता है। 17 क्वेश्चन की बात करेंगे, 17 क्वेश्चन हो जाएगा विच इज़ करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ डेटा टाइप इन सी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू साइज, साइज की रेस्पेक्ट में ऑफ द डेटा टाइप, यानी सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है वो हमको यहाँ पे चेक करना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा हो जाएगा कैरेक्टर, उससे बड़ा इंट, उससे बड़ा फ्लोट हो जाएगा। यानी अगर बात करेंगे यहाँ पे साइज की रेस्पेक्ट में बात करेंगे यह 1 byte की लेता है, इंट 2 byte की लेता है, फ्लोट 4 byte की लेता है। 18 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, 18 क्वेश्चन हो जाएगा विच इज़ वैलिड सी एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा वैलिड सी एक्सप्रेशन है, यानी यहाँ पर हमको सही कौन सा दिख रहा है वो बताना है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर हम कोई भी वेरिएबल का नेम यूज़ करते हैं उसके अंदर कभी भी स्पेस, कोमा या डॉलर साइन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर ऑप्शन ए की बात करेंगे इसके अंदर कोमा यूज़ किया जा रहा है तो ये ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करेंगे इसके अंदर स्पेस आ रहा है माई और नम के बीच में, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी की बात करेंगे यहाँ पर हम डॉलर का यूज़ कर रहे हैं, इसको भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। यानी अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो यह एक वैलिड सी एक्सप्रेशन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है डॉलर, स्पेस, कोमा इनका यूज़ वेरिएबल नेम के अंदर नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन सी, इनमें से कौन सा एक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज के अंदर, वोलेटाइल, ट्रू, फ्रेंड या एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए वोलेटाइल, वोलेटाइल जो होता है वो एक कीवर्ड होता है और कीवर्ड को वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इटरेशन इन सी,
इनमें से सी के अंदर जो इटरेशन यूज करते हैं उसका कौन सा एग्जांपल है, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल या ऑल ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे अगर हम इटरेशन की बात करेंगे तो इसमें फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल ये सारे आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ये सारे के सारे वो इटरेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इन सी विच फंक्शन वी यूज टू क्लियर द कंसोल। सी के अंदर कौन से फंक्शन का यूज जो है वो कंसोल को क्लियर करने के लिए किया जाता है, यानी सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद में उसमें आउटपुट लिखा होता है उसको वापस से क्लियर करना है, तो उसके लिए कौन से कमांड का कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है, तो उसके लिए जिस कमांड या जिस फंक्शन को यूज में लिया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CLRSCR। CLRSCR कमांड का यूज आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ टू नंबर इन सी। कौन से ऑपरेटर का यूज सी प्रोग्रामिंग के अंदर दो नंबर के बीच में रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जिस ऑपरेटर को काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है मॉडुलस ऑपरेटर, यानी ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करेंगे ये साइन जो होता है वो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है और इसका यूज रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑपरेटर टू कंपेयर टू वेरिएबल्स। इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑपरेटर है टू कंपेयर टू वेरिएबल, दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर करने के लिए कौन से ऑपरेटर को काम में लिया जाता है, तो दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर करने के लिए जिस ऑपरेटर को काम में लिया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इक्वल इक्वल ऑपरेटर। 24th क्वेश्चन की बात करेंगे, 24th क्वेश्चन हो जाएगा इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट यानी माइनस माइनस आर विच टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होते हैं वो किस टाइप के ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर ए यूनरी ऑपरेटर के टाइप हो जाएंगे, उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। 25th क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, 25th क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ एंड ऑपरेटर इन सी। सी के अंदर जो एंड ऑपरेटर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो सी के अंदर जो एंड ऑपरेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एड्रेस आपको रिप्रेजेंट करता है एंड ऑपरेटर। 26th क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इन सी। सी प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो किस फॉर्म में आता है, ट्रू, फॉल्स, जीरो, वन या ऑल ऑफ दिस। तो सी प्रोग्रामिंग की अगर बात करेंगे वहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो ऑप्शन नंबर सी जीरो या वन की फॉर्म में आता है सी की अगर बात करेंगे। अगर सी प्लस प्लस की बात करेंगे तो उसके अंदर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है, ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब हो जाएगा जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम हमारी कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ की बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आने वाले टाइम में और भी रिमेनिंग टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी पुरानी सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो उन्हें ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, उन सारी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और इंडिविजुअल वीडियो भी आपको वहाँ पर दिख जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यानी 27th क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम वेरिएबल कैन बी टेस्टेड यूजिंग डैश। सेम वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज़ को टेस्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो सेम वेरिएबल की बहुत सारी अगर वैल्यूज़ काम में लेनी है तो उसके लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए स्विच। उसके लिए स्विच का यूज़ किया जाता है, एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यू को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए स्विच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन की बात करेंगे, 28th क्वेश्चन हो जाएगा लूप्स इन द सी प्रोग्रामिंग आर यूज टू। सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है, execute a statement based on the condition, execute a block of code repeatedly, create a variable या none of these। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर या नॉर्मली अगर बात करें प्रोग्रामिंग की तो लूप का यूज जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो उसका यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर बी execute a block of code repeatedly। ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लूप का यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 29th क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर ब्रेक जो होता है वो किस टाइप का स्टेटमेंट होता है, तो सी की अगर बात करेंगे इसमें जो ब्रेक होता है वो जंप स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंप स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है ब्रेक। 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ दीज इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। इनमें से कौन सा एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, फॉर, इफ, डू व्हाइल या व्हाइल, तो
तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी डूवेल, डूवेल जो होता है वो एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा विच टाइप ऑफ लूप आर व्हाइल एंड फॉर, व्हाइल और फॉर लूप की अगर बात करेंगे ये किस टाइप के लूप होते हैं। अभी हमने बात की थी डूवेल की, डूवेल जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, वैसे ही अगर व्हाइल और फॉर की बात करेंगे इन्हें कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन द कंडीशन ऑफ डूवेल लूप इज फॉल्स हाउ मेनी टाइम्स विल इट एग्जीक्यूट द कोड। अगर हम डू वेल लूप की बात करें उसके अंदर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी आपका लूप जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, तो कितनी बार एग्जीक्यूट हो सकता है, 0, 1, इन्फाइनाइट या ऑल ऑफ दिस। अगर डू वेल लूप की बात करेंगे कंडीशन फॉल्स होने के बाद में भी आपका जो लूप होता है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट विल हैपन इफ द लूप कंडीशन विल नेवर बिकम फॉल्स, क्या होगा अगर लूप कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती है। तो अगर आपकी लूप कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती यानी कंटिन्यूस चल रही है तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो भी कभी एंड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम विल लूप इनफाइनाइटली, वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा कभी फिनिश नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34th क्वेश्चन की बात करेंगे, 34th क्वेश्चन हो जाएगा विच फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग इन सी, सी प्रोग्रामिंग के अंदर दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना होता है तो कौन से फंक्शन को काम में लिया जाता है, दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए जिस फंक्शन को यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए strcmp, strcmp फंक्शन का यूज़ दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 35 क्वेश्चन हो जाएगा एरे एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर इन डैश मेमोरी लोकेशंस, एरे एलिमेंट जो होते हैं वो कौन सी मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होते हैं, तो एरे एलिमेंट की अगर बात करेंगे ये हमेशा ऑप्शन नंबर ए सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होते हैं। एरे की अगर बात करेंगे इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ये सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होते हैं। 36 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, अभी हमने बात की थी एरे की सिमिलर डेटा टाइप के लिए एरे का यूज़ किया जाता है, वैसे डिफरेंट डेटा टाइप के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चर, उसे स्ट्रक्चर कहा जाता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 37th क्वेश्चन की बात करेंगे विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन से ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए जिस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है उसे डॉट ऑपरेटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉट ऑपरेटर ये जो होता है वो स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। 38th क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ दिस इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी, इनमें से कौन सा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, इंट यूनियन के या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम बात करें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यूनियन, यूनियन जो होता है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। 39 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस चल रहे हैं उसका क्वेश्चन हो जाएगा द साइज ऑफ यूनियन इज, यूनियन की साइज़ कितनी होती है, तो यूनियन की अगर बात करेंगे इसकी जो साइज़ होती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू द साइज़ ऑफ लार्जेस्ट डेटा टाइप, यानी इसके अंदर आप जितने भी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो उसमें जिस डेटा टाइप की साइज़ सबसे ज़्यादा होती है वही जो होती है वो यूनियन की साइज़ होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ अ फंक्शन इन सी, सी के अंदर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो फंक्शन का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक ऑफ कोड विच कैन बी रीयूज्ड, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे आप वापस से रीयूज कर सकते हो, यानी फंक्शन की अगर बात करेंगे यह एक सेपरेट प्रोग्राम सेगमेंट होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे वापस से रीयूज किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड पैरामीटर पासिंग मेथड इन सी, इनमें से कौन सा एक वैलिड पैरामीटर पासिंग मेथड नहीं होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय पॉइंटर या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करेंगे कॉल बाय पॉइंटर जो होता है वो एक वैलिड पैरामीटर पासिंग मेथड नहीं होता है, बाकी कॉल बाय वैल्यू होता है और कॉल बाय रेफरेंस भी होता है।
42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा और रिकर्सिव फंक्शन इन सी इज डैश। सी प्रोग्रामिंग के अंदर रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर इन सी इज कॉल्ड। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, वाइल्ड पॉइंटर। इसे वाइल्ड पॉइंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 44th क्वेश्चन हो जाएगा, विच पॉइंटर इज कॉल्ड जनरल पर्पस पॉइंटर। कौन से पॉइंटर को जनरल पर्पस पॉइंटर कहा जाता है? पॉइंटर की अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर को जनरल पर्पस पॉइंटर कहा जाता है, यानी अनइनिशियलाइज पॉइंटर कहा जाता है वाइल्ड पॉइंटर को और जनरल पर्पस पॉइंटर कहा जाता है वॉइड पॉइंटर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पॉइंटर का मतलब क्या होता है? तो पॉइंटर का मतलब हो जाएगा पॉइंटर इज एन वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल इन सी। सी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है? तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए जो फंक्शन काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, एफ ओपन फंक्शन। एफ ओपन फंक्शन का यूज किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन हो जाएगा विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन सी। किसी भी फाइल को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है? तो फाइल को क्लोज करने के लिए जिस फंक्शन को काम में लिया जाता है उसे ऑप्शन नंबर बी, एफ क्लोज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 47th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच फंक्शन इज यूज टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग फाइल इन सी। सी प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जिस्टिंग फाइल को, यानी पहले से बनी हुई फाइल को डिलीट करने के लिए किस फंक्शन का काम में लिया जाता है, कौन से फंक्शन को यूज में लिया जाता है? तो उसके लिए जिस फंक्शन को यूज किया जाता है उसे कहा जाता है रिमूव फंक्शन। उसे रिमूव फंक्शन कहा जाता है जो किसी भी फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को हटाने के लिए यूज में लिया जाता है। 48th क्वेश्चन की बात करेंगे। 48th क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो स्टैटिक वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, जीरो। स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। 49 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 49 क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इनमें से कौन सा वैल्यू रिटर्न नहीं करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, void। void की अगर बात करेंगे यह कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 50वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, वॉट इज हेज इंक्लूड stdio.h। यह क्या है हेज इंक्लूड stdio.h, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव। इसे प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव कहा जाता है हेज इंक्लूड stdio.h को। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, द सी प्री प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड विद सिंबल। सी प्रोसीजर जो होते हैं वो कौन से सिंबल से स्पेसिफाइड होते हैं? यानी हमने अभी बात की थी हेज इंक्लूड stdio.h, यानी सबसे पहले क्या लगता है? हेज लगता है। तो सी प्रोसीजर जो होता है वो हेज जो होता है सिंबल से स्पेसिफाइड होता है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, स्कैनएफ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन डैश हेडर फाइल। स्कैनएफ जो होता है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है कौन सी हेडर फाइल के अंदर? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे stdio.h, ये जो होती है हेडर फाइल, इसके अंदर स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। stdio.h का पूरा नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टोरेज क्लास। इनमें से कौन सी एक वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है? एक्सटर्न, डायनेमिक, रजिस्टर या ऑटो। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक। डायनेमिक जो होती है वो एक वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं होती है, बाकी एक्सटर्न, रजिस्टर, ऑटो ये सारी वैलिड स्टोरेज क्लास होती है। आइए दोस्तों आज की वीडियो यानी सी प्रोग्रामिंग एमसीक्यू के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ASCII स्टैंड्स फॉर। ASCII का पूरा नाम क्या होता है? ASCII की अगर बात करेंगे इसका पूरा नाम हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह ASCII का पूरा नाम हो जाएगा।
और आज की वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज एमसीक्यू का सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का। व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर? स्पेस कैरेक्टर के लिए जो ASCII वैल्यू होती है वो क्या होती है? स्पेस कैरेक्टर के लिए जो ASCII वैल्यू होती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 32। 32 जो होती है वो स्पेस कैरेक्टर के लिए ASCII वैल्यू होती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो सी लैंग्वेज एमसीक्यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो बार बार हर बार किसी न किसी पर्टिकुलर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही हम आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस और लेकर आने वाले हैं। हमारे कंप्यूटर एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।